गोरखा हित सर्वोपरि। मध्य प्रदेश के विवादित कंप्यूटर बाबा जो अपने बड़बोलेपन के कारण हर बार अपनी बेइज्जती कराने पर तुले रहते हैं, उनके द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर भारत में रहने वाले नेपाली समाज के लोग एवं नेपाली भाषी गोरखाली समुदाय में रोष व्याप्त है। बीते गुरुवार को नेपाली संस्कृति परिषद एवं शहर में रहने वाले भारतीय गोरखा समुदाय के लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कंप्यूटर बाबा से माफी मंगवाने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम और अयोध्या को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम नेपाली थे, असली अयोध्या भी भारत में नहीं थी, यह काठमांडू के करीब एक छोटा सा गांव था। ओली के इस बयान के बाद भारी विरोध हुआ। इस विरोध के दौरान विवादास्पद और अपने बड़बोलेपन के कारण हर बार अपनी बेइज्जती कराने वाले कंप्यूटर बाबा ने नेपाली प्रधानमंत्री का पुतला जलाया, वो समझ में आता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर कंप्यूटर बाबा ने कह दिया कि यदि ओली माफी नहीं मांगेंगे तो हम भारत में रहने वाले तमाम नेपालियों को भारत से खदेड़ देंगे। आइए सुनते हैं पहले उन्होंने क्या विवादास्पद बयान दिया। तो जितने नेपाली हैं मध्य भारत में, सारे नेपालियों को खदेड़ दिया जाएगा, नेपाल भेजा जाएगा। यहाँ रोटी खा रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं और बात नेपाल की कर रहे हैं। अब हमें लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री के पीछे चीन खड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य को वापस लो, अन्यथा पूरा संत समाज भारत का एक साथ होकर सड़कों पर उतरेगा और एक भी नेपालियों के यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, सबको खदेड़ा जाएगा। नेपाली भाषी भारतीय गोरखाली समुदाय के साथ नेपाली संस्कृति परिषद ने कंप्यूटर बाबा के इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि कंप्यूटर बाबा को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। भारत में रहकर अपनी जीविका चला रहे लाखों की संख्या में नेपाली समाज के लोगों के खिलाफ दिया गया बाबा का यह बयान बेहद निंदनीय है। नेपाली संस्कृति परिषद कंप्यूटर बाबा के इस बयान पर माफी मांगने की मांग करता है। नेपाली संस्कृति परिषद के अध्यक्ष गुरुंग का कहना है कि भारत में रह रहे नेपाली समाज खुद लंबे समय से नेपाली प्रधानमंत्री ओली के विवादास्पद एवं भारत विरोधी बयान की निंदा करता आया है। बयान दिए थे वो निंदनीय है, अशोभनीय है, हम उसके भर्त्सना करते हैं। हम कंप्यूटर बाबा से ये जानना चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई जब हमारे हर पक्ष में पक्षधार खड़े हैं तो इनको इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये अपने बयान वापस ले, हमसे नेपाली समाज से माफ़ी मांगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भारतवासी नेपाल के यहाँ पे सभी समुदाय के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रकार के यहाँ पे अपने समाज के हैं, हम भी समाज के भाई हैं। हमसे इस प्रकार का रोष नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार का रोष किया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वो अपने माफ़ी मांगे नेपाली समाज से।